वेलकम अगेन टू माता सावित्री किचन। रात्रि चल रहे हैं ना, अब कन्या पूजन का समय भी आ गया है। कन्या पूजन में हम लोग चना बनाते और हलवा बनाते, पूरियाँ बनाते। आज मैं हलवा और चना की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हलवा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने हाफ कप सूजी लिया है, जो आपके पास सूजी अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। इसे मैं दूध से भिगो के रखूंगी। तो मैंने जितना सूजी है उसे थोड़ा ज़्यादा दूध लिया है, ताकि सूजी अच्छे से दूध से कवर हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक के हम एक तरफ रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये जो नॉर्मल हम बनाते हैं हलवा सूजी का, उससे बिल्कुल अलग बनेगा, बहुत ही टेस्टी और मलाईदार बनेगा। आप एक बार इसे इस तरह से बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। जो आप कन्या पूजन करेंगे, माता भी खुश हो जाएंगी और कन्याएं भी खुश हो जाएंगी। तो इसे ढक के एक तरफ रख देते हैं। और ये देखिए, मैंने रात को चने भिगो के रख दिया था। चने की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ये 1 कप चना मैंने लिया था, इसे बॉयल होने के लिए मैं कुकर में ऐड कर दे रही हूँ। और चने से हम थोड़ा ज़्यादा पानी रखेंगे, क्योंकि चने जब बॉयल करेंगे तो पानी जल ना जाए। तो ये मैंने देखिए चना कवर होने तक पानी रखा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। और हल्दी नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे। इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे हम गैस पे। इसे गैस पे मैंने रख दिया है। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। ये देखिए कुकर में सीटियाँ आ गई हैं। एक विसल हाई फ्लेम तक पकाएंगे, उसके बाद 5-7 मिनट हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देते हैं। इसे चेक कर लेते हैं। देखिए चना बिल्कुल लग रहा है, अच्छे से गल गया, देखिए सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने पहले से ही पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल आप कोई सा भी प्रेफर करते हैं वो ले सकते हैं। इसमें मैंने हींग ऐड किया है, जीरा ऐड किया है। जो हींग नहीं ऐड करते हैं वो स्किप कर सकते हैं। कई लोग कन्या पूजन में हींग ऐड नहीं करते हैं। उसके बाद इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्च ऐड किया है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और आमचूर पाउडर। इन सबको हम डाल के अच्छे से गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो करके तेल अलग होने तक, सेपरेट होने तक हम मसालों को फ्राई करेंगे। बिल्कुल श्रद्धा के साथ आप प्रसाद बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये देखिए मसाले फ्राई हो चुके थे, मैंने इसमें चना ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और अगर आपके पास हरा धनिया तो आप हरा धनिया ऐड कर दीजिए। पानी सूख जाने तक इसे अच्छे से हम पकाएंगे। इसे थोड़ा ड्राई कर लेंगे, हल्का हल्का से इसमें ग्रेवी रखेंगे। आप चाहे तो बिल्कुल सूखा भी बना सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हमारा चना तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी, बहुत क्विकली बन के तैयार हो जाती है ये रेसिपियां सारी। अब चलते हैं हलवा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने पहले एक पैन में थोड़ा सा घी ऐड किया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं फ्राई कर ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। ये मैंने थोड़े काजू बादाम लिए हैं, आपको पिस्ता, किशमिश, छुहाड़ा, चिरौंजी जो ऐड करना है। बहुत ही कम समय में ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाते हैं। ये मैंने नारियल, सूखा नारियल लिया था, पतला पतला लंबा लंबा काट लिया। इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ये देखिए मैं चाशनी बना रही हूँ। चाशनी हमको सिर्फ चीनी पिघलाने तक ये चाशनी बनानी है, बिल्कुल तार वाली चाशनी हमको नहीं चाहिए। तो जिसके लिए मैंने जितना सूजी लिया था उतना ही चीनी लिया है, और जितना चीनी लिया है उसका 4 गुना हम पानी लेंगे। तो मैंने 1/2 कप चीनी लिया है, तो 2 कप मैंने पानी लिया है, 4 गुना ज़्यादा 2 कप पानी। और इसको गर्म करेंगे हम सिर्फ चीनी पिघलने तक। इस चाशनी को हमें बनाना है, किसी तरह की तार वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए, तो ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं। आप सिर्फ पानी में एक उबाली ला के या फिर गर्म होने तक इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए चाशनी हमारी तैयार है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए मैंने पैन पहले से गैस पे रख दिया है। अब इसमें घी ऐड करते हैं। जितना सूजी लिया है उतना ही घी भी लेंगे, क्योंकि घी हलवे में जितना ज़्यादा रहता है उतना ज़्यादा टेस्टी हलवा बनता है।
और आपने प्रसाद खाया ही होगा जो मंदिरों में गुरुद्वारों में मिलता है। जब हम हलवा खाते हैं तो हाथ में बिल्कुल घी लगा रहता है, इतना ज़्यादा घी वो ऐड करते हैं। ये देखिए सूजी कितने अच्छे से फूल गई है। अब इन सूजी को इस घी में ऐड करते हैं हम, और इसे लगातार चलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। ये थोड़ा सा फ्राई करते वक्त स्टिकी हो जाएगी, तो आप घबराइएगा मत। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये प्रसाद खराब हो गया। आप इसे बनाइए, ये हलवा आप इस तरह भी घर में बना के खा सकते हैं जब आपका इच्छा करे। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत डिफरेंट स्टाइल है ये। आजकल बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है ये। तो ये लगातार चलाते हुए इसे ऐसे मैश करते हुए, छुड़ाते हुए जो स्टिफनेस है इसका, इसको छुड़ाते हुए इसे हम फ्राई करें। देखिए कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा खट्टा हो गया, लेकिन जब हम इसमें चीनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। इसे लगातार बस आप चलाते रहिएगा, आप घबराइएगा मत। ये देखिए फिर फूल के सूजी ऐसे हो जाएगी, और इसे लगातार चलाते हुए हम पका रहे हैं। आप इसे बनाइए अपने घर में, जरूर ट्राई कीजिए। अपने कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगी तो थम्स अप का बटन दबाइए। अब इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, और 1 चम्मच घी, और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे, और इसे चला देंगे हम। देखिए कितना अच्छा कलर निखर के आया है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। नेचुरल, मैंने इसको नेचुरल कलर ही रखा है, कोई कलर यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो इसमें येलो फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर वो भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हलवा भी तैयार है। अब इन सब चीज़ों को हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए चना और हलवा प्रसाद के लिए, कन्या पूजन अष्टमी पूजन के लिए तैयार है। आप इसे बनाइए अपने घर में, सबको खिलाइए, सबकी तारीफें बटोरिए। जय माता दी सबको, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।